राधे राधे गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय 75 डे चैलेंज। मेरा नाम है निकू और आप देख रहे हैं GTA 4 लिबर्टी सिटी। तो आज का हमारा ऐसा प्लान है कि पुलिस वालों द्वारा एक सुपर कार, यानी नाम तो मैं बाद में बताऊंगा कार का, कि पुलिस वालों द्वारा एक ऐसी कार इम्पोर्ट कराई गई है एयरपोर्ट पर, जिसके अंदर भाई साहब गोलियों से बचने के लिए हीलिंग पावर है। मतलब अगर तुम उस पर गोली चला दोगे ना, तो आराम से एक दो घंटे में वो अपना आप हील कर लेगी अपने आप को। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है उस कार का। तो हम क्या करेंगे, हम आज उसको चुराने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी एक कार हमारे पास ही होनी चाहिए जो कि सुपर पूरे लिबर्टी सिटी में एक ही है, तो वो हमारे पास होनी चाहिए। तो जल्दी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ फटाफट। ये भाड़े की कार ली थी मैंने, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल कार नहीं है। हाँ एक बात तो यार, मेरे पास कार नहीं है। उधर दूसरी सिटी के वाले के पास कार है, लेकिन मेरे पास नहीं। अरे यार, ये रोमन पता नहीं क्यों फ़ोन करता रहता है मेरे को। यार इसके मिशन भी हमें करने चाहिए, तो करने के लिए तो तुम, अगर तुम चाहते हो कि हम इसके मिशन करें, तो कमेंट करो और लाइक करो अपनी वीडियो को। और चलते जल्दी फटाफट एयरपोर्ट की तरफ। मैं रेस देता हूँ भाई साहब। क्या यार, एक गाड़ी कितनी धीरे चलती है, लेकिन यार मतलब मस्त चलती है। मतलब वो है कहते फीलिंग इसकी रोल्स रॉयल है। पहले वैसे मैंने इसको भाड़े पे लिया है, तो वो बात अलग है, अपनी नहीं है। तो इसको आराम से लेके जाना पड़ेगा। मैं इसको एयरपोर्ट पे छोड़ दूँगा, इसके ओनर्स है जो अपना आप इसको वहाँ से पिक कर लेंगे। इनकी सही है यार, मतलब किसी भी इनके गाड़ी लो ना भाड़े पर, तो खाई भी छोड़ दो, वो अपने आप लेके चले जाते हैं इस गाड़ी को। अभी भाई साहब हम पहुँच गए एयरपोर्ट पर। अब मेरे को नहीं लगता कि गेट खोल देंगे, क्योंकि जब भी मैं एयरपोर्ट पर आता हूँ तो ये मेरे ऊपर केस वेस कर देते हैं और स्टार लगा के मेरे को ठोक देते हैं। गेट खोल दिया। अरे आज तो मैं यार स्पेशल कार में आया हूँ ना, इसलिए खोल लिया वो गेट। नहीं, मेरी शक्ल देख के नहीं खोलते गेट, बड़े हरामी है एयरपोर्ट वाले भी। तो हम ऐसे करते हैं, इस कार को यहीं पार्क करते हैं, क्योंकि यार ये गाड़ी भी कम नहीं है, क्योंकि ये रोल्स रॉयल है, तो इसको यहीं पार्क कर देते। नहीं तो ये गाड़ी हवा ठोक गई या ब्लास्ट हो गई तो मेरा नाम आ जाएगा, मेरे नाम पे इसका बिल फट जाएगा। ओ भाई चुपचाप अपनी बंदूक इधर लेता हूँ अंदर, नहीं मैं ठिल जाऊँगा यहाँ पर। ये पुलिस वाले खड़े हैं तीन। तो भाई अपने को कुछ नहीं करना, अपने को बस एक प्लेन है तो उसका वेट करना है। यहाँ पर रात तक वो आएगा वो प्लेन, उसी में है वो कार, तो आराम से यहाँ पर वेट करेंगे चुपचाप। तो गाइस कार का वेट करते करते रात हो गई, लेकिन अभी तक वो प्लेन नहीं आया। लेकिन रोमन से मैंने बात की तो वो बोल रहा था कि प्लेन अभी आने को ही है, तो जल्दी हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को बच के रहना पड़ेगा पुलिस वालों से। देखो वो खड़ा, नहीं पुलिस वाला नहीं तो एयरपोर्ट वाला ही है, लेकिन लगता मेरे पुलिस। ओ भाई आ गया, प्लेन आ गया, तुम देख रहे हो ना, ये प्लेन है, ये प्लेन इसी प्लेन में है, गाड़ी भी इसी प्लेन में। जल्दी मैं ऐसे ही NPC की तरह ढूंढ लेता हूँ, इसको फर्क नहीं लगेगी मेरे बारे में। देखो ये प्लेन है, इसमें अपनी वो कार है, तो जल्दी यहाँ तो भगता था, यहीं पर छुप जाता हूँ और वेट करता हूँ कि कब वो कार को निकालेंगे, और कार को निकालते हैं हम निकल जाएंगे। ओ भाई ये तो पुलिस आ गई यार सामने, ये ट्रक जा रहा है भाई साहब, इनसे बच के रहना पड़ेगा। ये तो इधर से आ रहा है शायद, यार उधर की साइड जा रहा है, एक मिनट, हाँ नहीं उधर ही जा रहा है। ओ भाई ये तो इधर ही आ रहे हैं भाई साहब, मेरे को जल्दी ऐसे निकलना पड़ेगा, नहीं मेरी ऐसे कर देंगे। मैं चुपचाप भाई मैं गया, अगर इन्होंने मेरे देख लिया ना तो मेरा बसरा भर देंगे। मेरे पास भाई साहब कोई वो नहीं है यहाँ पर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा यहाँ से भागने के लिए, वो कार भी छूट जाएगी। तो भाई दुआ करो कि हम उस कार को ले जा पाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है हम जैसे चोर के लिए। भाई वो प्लेन बैक गियर में चला गया, शायद बैक हो गया पता नहीं। अब वो प्लेन कहाँ गया यार, शायद ये प्लेन है वो, या उन्होंने सामान निकाल लिया। अबे ये क्या है, आए आए भाई, मेरे को लगता कोई एरोप्लेन चढ़ गया होगा इस पर, इसलिए हो गया इस बाइक का ये हाल। पता नहीं ये कौन सी बाइक है यार, ये कौन सी जमाने की बाइक है, और पता नहीं इसका एक टायर उधर पड़ा है और एक ये उठ भी नहीं रही, ये खराब पड़ी है भाई साहब। मेरे को लगता है मेरे को आगे जाना चाहिए, क्योंकि इसको छोड़ देते कि आगे उन्होंने कार को पार्क कर दिया होगा शायद। मेरे को शायद 100% नहीं होनी चाहिए कार। भाई यार यार कार नहीं है यार। ओ भाई मेरे पर स्टार लग गए भाई साहब, 4 स्टार लग गए, पूरे पुलिस ने देख लिया, मेरे को भागना पड़ेगा भाई साहब ऐसे। ओ भाई गोलियाँ चल रही है, जल्दी निकलो ऐसे फटाफट, भाग 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 भाग। ओ भाई मैं तो बम निकाल लेता, बम पटक देता हूँ, एक हो जाएगा केले एक बेर में इनका, जल्दी निकलता हूँ भाई साहब एकदम। ओ भाई गॉड क्या मजा आया बम फूट के, लेकिन अब मेरी स्टेज होने वाली है। अबे मैं स्नाइपर को चला रहा हूँ यार,
गोलियों से मार दूंगा। एक मिनट, कार? ओ भाई गाड़ी यहाँ कैसे ले आए ये लोग? और इस गाड़ी कोई और चला रहा भाई। भाई ये गाड़ी निकल गई ना तो मेरा सारा प्लान बेकार हो जाए, क्योंकि मैं इस गाड़ी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं इस गाड़ी के लिए नहीं मरूंगा, मेरे को एक गाड़ी चाहिए कैसे भी करके। तो पहले इनको पुलिस वालों को मारना पड़ेगा। तो भाई ये बहुत सारे, इनको मारना इम्पॉसिबल हमारे लिए, इन सबको मारना इम्पॉसिबल। जल्दी मैं इस गाड़ी को रोकना पड़ेगा भाई साहब। इनको मार देता हूँ पहले, फिर निकालता हूँ इनको। भाई ये गाड़ी को पता नहीं कौन लेके चला रहा है भाई। एक ये भग गया भाई साहब, ये पुलिस वाला ही था भाई। गाड़ी मिल गई। अगर भाई इसमें तो गोलियों ने ठेक कर दी पूरी कार में भाई साहब। गाड़ी तो जोरदार है एकदम। तू रुक जा, तेरे को मैं उड़ा था सारे। गाड़ी को मेरे को छोड़ दिया, गाड़ी को लेके जा रहा है। गाड़ी से इतना प्यार है तो गाड़ी लाई क्यों, मेरे को मरवा दिए भाई। गाड़ी हमने चुरा ली सक्सेसफुली, लेकिन अब हमारा खेल होने को बचा नहीं सकता, क्योंकि अरे इतनी ड्रिफ्ट क्यों ले रही है ये गाड़ी, मेरे पे कंट्रोल नहीं हो रही। पर भाई साहब कुछ भी कहो, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़ोरदार है यार, मतलब क्या ही बताओ तुमको। ये तो स्पीड रुकी नहीं रही इसकी भाई। अब पुलिस आ रही है सामने से, मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, तो पहले तो मेरे को राइट साइड लेना पड़ेगा यहाँ से। तो राइट साइड ले लिया भाई साहब मैंने। अब यहाँ से जल्दी निकलेंगे यहाँ से। पुलिस वालों ने भाई साहब यहाँ पर पूरी सब जगह अपनी पुलिस छोड़ दी है, और 4 स्टार तो ऐसे लगते कि पुलिस मुंह में हाथ देके सारी अंतड़ियाँ निकाल ले। और ये देखो गोलियाँ पड़ रही, गाड़ी का भाई साहब पूरा सत्यानाश हो चुका है, गाड़ी पूरी तबाह हो चुकी है भाई साहब। अगर इस गाड़ी में अगर हीलिंग पावर है तो ये सही हो जानी चाहिए अभी तक, जो कि नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों नहीं हो रही है गाड़ी, और मेरे को लग रहा है ये नहीं है। अब यहाँ से कूदा नहीं पड़ेगा। ओ एमजी भाई 10 फीट ऊंची कूद गई गाड़ी। भाई तुमने नोटिस किया गाड़ी अभी 10 फीट ऊंची कूद गई थी, मतलब क्या स्पीड भाई साहब। रुक जाओ अब मैं ख़त्म हूँ, अभी मैं जल्दी फटाफट अगर स्प्रे पेंट की दुकान में नहीं घुसा तो मेरा हो जाएगा खेल भाई। हम बच गए। एक मिनट ये बंद क्यों नहीं हो रहा? द कॉप्स आर यू एंटर। भाई ये इस पुलिस वाले ने अपन को देख लिया है, तो अब अपन इनसे नहीं बच सकते, और अपना आपकी बार खेल हो चुका है भाई साहब। अब शायद भगवान ही हमें बचा सकता है, क्योंकि इनसे बचना पॉसिबल है, क्योंकि हम हैं निक्कू, हमें कोई नहीं मार सकता। अरे यार ये क्या कर रहे हैं ये? अरे पीछे दो आ गए यार, तुम दोनों की मागेशो। अरे इस गाड़ी का नाम सुप्रा है, अरे इसको रोकना असंभव है पुलिस वालों, तुम कितना ही जोर लगा लो। क्या डेंट पड़े भाई साहब, गोलियों से भूंदी पूरी कार इन्होंने तो यार। पर इसका नाम है सुप्रा, तो इसको रोकना है असंभव। और हम आराम से आ चुके हैं भाई साहब, लेकिन ये तुम देखो गाड़ी का क्या हॉल हो चुका है, मतलब पीछे पूरी गोलियों से भूंदी है गाड़ी। और भाई साहब पीछे अब भी पुलिस की गोलियां पड़ी रही हैं, मेरा बचना असंभव है। लेकिन यार गाड़ी तबाह हो गई यार, अच्छी खासी गाड़ी की मावण एक कर दी मैंने। शायद हम अब बच जाएंगे पुलिस से, क्योंकि हम बहुत दूर आ गए हैं पुलिस से। अगर मैं किसी गली में छुप जाऊं तो भाई साहब बच सकते हैं। और यहाँ पर एक गली भी है, कहीं घुस जाते चुपचाप से भाई साहब। स्टार शायद अब हट गए, फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, यहीं से गाड़ी को यहीं पार कर देंगे। एक मिनट रुक जा, तो मैं गाड़ी को यहीं पटक देता हूँ, और यहीं से जल्दी चुपचाप निकल जाते, किसी घर में घुस जाएंगे और बाहर वेट करेंगे शाम तक और देखेंगे। तो गाइस मैं बहुत देर से यहाँ घूम रहा हूँ, और मैंने किसी पुलिस की गाड़ी को नहीं देखा है। तो अब पुलिस सारी जा चुकी है, और हमने गाड़ी को यहाँ पार्क किया था, तो गाड़ी भी यहाँ सेफ है, लेकिन गाड़ी का नाश हो चुका है। अब इस गाड़ी को हमें जल्दी हमारे गैरेज में लेके जाना पड़ेगा, इसको सही कराना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब इस पर इतने सारे डेंट और गोलियाँ पड़ी थी, उसके एक भी निशान इस गाड़ी पर नहीं दिख रहे। अगर तुमको दिख रहे हैं तो मेरे को बताओ कमेंट में कहीं। लेकिन पिछली बार की फोटो देख लो इस गाड़ी की, और अब देख लो भाई, मतलब सारे गोलियों के निशान गायब हो गए, रिकवर हो गए भाई साहब। ये बात तो सच बचाई थी यार रोमन ने, कि ये गाड़ी अपने आप को वापस जनरेट कर लेती है गोलियों से, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा गोलियों का डेंटिंग का इसका खर्चा बच जाएगा। तो जल्दी इसको फटाफट अपने गैराज में लेके चलते हैं, वहीं इसको सही करा लेंगे। बट इसमें बहुत टाइम लग जाएगा गाइस, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुके है, बस ये चलने लायक है। और चल रही भी क्या जोरदार है भाई साहब, मौज कर दी भाई साहब। आज तो मेरे पास एक खुद की गाड़ी हो चुकी है, क्या ड्रिफ्ट करती है, ड्रिफ्ट बहुत ज़ोरदार है यार इसकी। इसको कहीं हम टेस्ट करेंगे ड्रग रेस के लिए, इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी फटाफट इसको सही कराना है। तो मैं ध्यान होगा तो मैंने इस यहाँ पे सर्कल पे से इस गाड़ी को जब रेस के देख निकाला था ना, तो गाइस गाड़ी 10 फीट ऊपर चली गई थी।
गाड़ी का भी क्या हाल हो चुका होगा, लेकिन अब इसमें से धुआं नहीं निकल लग गया है, तो जल्दी इसको लेके चलते। शायद इसमें धुआं जनरेटर नहीं है, धुआं को सेल्फ जनरेट नहीं करती है। तो अब हम आ चुके, लेकिन अब बहुत टाइम लग जाएगा हमें, जल्दी फटाफट इसको अंदर लेके चलते हैं। अब तुम देखो क्या हाल है गाड़ी का, और देखो बाहर निकलेगी ना, मतलब ऐसी सुपर कर दूंगा इसको, इसको है ना, मतलब हम सफ़ेद कलर में ले जाएंगे, मेरे को सफ़ेद कलर बहुत मस्त लगता है सुपरा का। तो गाइस रात के 12 बजे से और अब 10 बज चुके हैं सुबह के, लेकिन गाड़ी एक नंबर कर दी उन्होंने, तुम देख सकते हो गाड़ी वाइट कलर में क्या शाइनिंग मार रही है, एक नंबर। टाटा ने यार क्या गाड़ी निकाली है, जोरदार लग रही भाई साहब गाड़ी तो यार। अब इसको जल्दी अपने घर पे लेके चलते हैं निकू के घर पर, वहीं इसको पार्क करेंगे, लेकिन यार उसके घर में पार्किंग के लिए जगह और नहीं है, तो वहाँ में ऐसे करेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे उधर जाके, लेकिन फटाफट लेके चलते हैं भाई साहब, गाड़ी बहुत ज़ोरदार है। मैंने कितनी बार तारीफ कर दी इस गाड़ी की पता नहीं। गाड़ियों का भाई साहब कहाँ पिला करेंगे हम किसी दिन, एक गैराज के लिए हमको यार अभी ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, तो एक गैराज के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी, और फिलहाल के लिए तो मैं इसे यहीं खड़ी कर दूँ तो मेरे साथ ठीक होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई जगह नहीं है, घर के सामने खड़ी कर दूँ, लेकिन यहाँ पब्लिक बहुत दूरती है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं खड़ी कर दूँ। लेकिन अब मैं ध्यान में आ गया है कि निको घर पर एक गली है पीछे, वहाँ कोई नहीं आता जाता, तो हम इस गाड़ी को वहाँ पार्क कर दें तो भाई साहब बहुत सही रहेगा हमारे लिए। तो फटाफट इसको उस गली के में ले के चलते। हाँ तो मैं बोल रहा था कि तुमको कि तुम मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर दिया करो अपने चैनल को, ऐसे और मस्त वीडियो देखने के लिए GTA 4 के किसी वीडियो को देखना है तो मेरी वीडियो उसको देखो, बहुत ज़ोरदार होती है। तो भाई गाड़ी क्या मस्त लग रही है। तो अगर तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बहुत टाइम हो चुका है वैसे भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रेड रेड गाइस, बाय बाय।